हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 10 में हो और आपने साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 29 को आप लोगों का साइंस का पेपर है, 29 फरवरी को। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया ना तो साइंस में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, साइंस में आपको कुछ ना है, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो साइंस में अगर आपको कुछ ना है ना तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको देखने के बाद टॉपर बन जाओगे, 90% लाओगे, 95% लाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको साइंस में कुछ ना है तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप 70 से 80 नंबर ला सकते हो, इतना ला सकते हो इस ट्रिक को लगाने के बाद, ठीक है। साइंस में अगर आपको कुछ ना है आप इतना नंबर ला सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को स्पेशली साइंस ही पढ़ाता हूँ और साइंस में मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप ऑटोमेटिक बहुत सारे नंबर लाओगे, ठीक है। तो आपको साइंस में कुछ नहीं आता तो ये बहुत अच्छी वीडियो है। आपके पास केवल ये चीज़ होना चाहिए, काला नीला पेन और स्केल और स्केज, ये ज़रूरी है। क्योंकि आपको कुछ नहीं आता तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहले आपका जो साइंस होता है, साइंस में आपके तीन सेक्शन होते हैं, ध्यान से समझना सारी चीजें। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, बहुत छोटी सी वीडियो है और सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। साइंस में आपको कुछ नहीं आता, सबसे पहले देखो साइंस में मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। ये सारी चीजें जरूरी है, ब्लैक ब्लू पेन एंड स्केल और ये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। साइंस से आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब साइंस में आपके तीन पार्ट्स होते हैं, ध्यान से समझना, थोड़ी सी वीडियो अच्छी आप लोगों को लगेगी। क्योंकि तो इसमें हमारा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में जो मेनली होता है वो क्या आता है, फिजिक्स में ज़्यादा आपके क्या आते हैं, देखो एक चीज़ जो है वो तो आपका डिफिनीशन वगैरह तो आता ही है, और इसमें आता है डेरीवेशन और न्यूमेरिकल, ये ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये चीज़ डेरीवेशन और न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री में आपके रिएक्शन आते हैं ज़्यादा, रिएक्शन, ठीक है। और बायोलॉजी में आपके आते हैं डायग्राम, जो कि एक कॉमन सी बात है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सारी चीज़ों से होता है बच्चों को प्रॉब्लम। सर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में, और ये रिएक्शन में, और ये डायग्राम में। तो ये जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं आता फिर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। अब बात हम ये करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 20 मार्क्स का MCQ, 20 मार्क्स का जो हमारा MCQ होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जो 20 मार्क्स का MCQ आता है, ये इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो 20 नंबर है ना, ये पहले हम लोग फिक्स करेंगे। कुछ ऐसे ट्रिक हैं, अगर आप वो लगाओगे तो आपका ये 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। और जो आपको 50 नंबर लिखना है ना दोस्त, वो ठीक है, मान लो ये न्यूमेरिकल है, रिएक्शन है, डेरिवेशन है, ये सब चीज़ अभी मैं आपका फिक्स करा दूंगा, ये सब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा MCQ का ट्रिक बता देता हूँ कि आपको MCQ नहीं आए वो तो अभी मैं आपको आपको टॉपर की कॉपी से समझाऊंगा कैसे। आपको कुछ नहीं आता तो आपको कैसे क्या करना है, सारा कुछ, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। आपको रिएक्शन नहीं आता यार इस वीडियो को देखने के बाद, आपको रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आता इस वीडियो को देखने के बाद, आप रिएक्शन चुटकियों में करोगे, नहीं आता फिर भी करोगे, ध्यान से समझो बस। क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक होते हैं, सब कुछ सभी को नहीं आता, ठीक है, बस कुछ ट्रिक होते हैं जो लगाते हैं। MCQ का सबसे पहले हम कुछ ट्रिक समझेंगे, जो MCQ क्वेश्चंस के ट्रिक हैं। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा ना, वो हम लोग समझते हैं। देखो 20 में 20 नंबर आपको MCQ, देखो अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये 20 में 20 नहीं लाया जा सकता, ठीक है, 20 में पूरा 20 नहीं लाया जा सकता। क्योंकि MCQ में आपका जब बिल्कुल करेक्ट होगा तभी आपका आएगा। जो आपका लिखना होता है वो तो मैं अभी बता दूंगा, बना बना कर लिख दोगे। 50 में आप लोग कम से कम 40 नंबर लाओगे, कम से कम बता रहे हैं 40 नंबर आप लाओगे। अभी MCQ के लिए मैं आपको कुछ कॉमन ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, कुछ कॉमन ट्रिक। जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। फिजिक्स में एक बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ है, ठीक है, फिजिक्स जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, एक चीज़ क्या, वो है कि सबसे ज़्यादा और कम। ज़्यादा कम का मतलब क्या है कि जैसे इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है कि कम है, किस रंग का ज़्यादा है, किस रंग का कम है, किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, किसका कम है, कम ज़्यादा वाला बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, ठीक है, इस टाइप के। अभी मैं आपको कुछ नॉर्मल से ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले MCQ ऑब्जेक्टिव के लिए पहला ट्रिक आप देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि मान लो आपका आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साइंस में, कि आपका जो साइंस है उसमें, ठीक है, मान लो हमारा रहता है ए व बी दोनों, ए व बी ऑप्शन दोनों, तो इस टाइप के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होते हैं, ध्यान रखना। ए व बी दोनों अगर आ जाए तो वो लगभग एकदम 100% सही होता है, ठीक है,
कुछ मैं आपको कॉमन ट्रिक बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड हमारा होता है, जैसे एक आपका ऑप्शन आ जाता है क्या, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन होता ना ऐसे, इसमें से कोई नहीं, तो वो ऑप्शन ये समझना कि लगभग लगभग 99% सही होता है। या फिर इसी में एक ऑप्शन और आता है, ये सभी, ये सभी, जैसे आप लोगों ने एक बहुत ज़्यादा वायरल क्वेश्चन देखा होगा कि प्रकाश हमारा जो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बो हमारा CO2, जल, क्लोरोफिल, तो उसमें रहता ना ये सभी, तो ऐसे अगर ये वाला ऑप्शन आया और ये वाला, तो बिल्कुल 100% सही है, ठीक है, मैं ये क्लियर करता हूँ। और तीसरा जो मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ, कुछ ट्रिक हैं जो आप अप्लाई करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। एक होता है कुछ अलग टाइप का, अलग टाइप का ऑप्शन, कुछ अलग टाइप का अगर आपको ऑप्शन दिखे, मान लो कुछ अलग है, सारे से अलग है, सारे तीन एक जैसे हैं, एक अलग टाइप का ऑप्शन है, तो वो हमारा सही होगा, ठीक है। एंड एक आप लोग ये वाला जरूर कर लेना, कम ज्यादा वाला, कि कम है कि ज्यादा है, आपका ये बहुत ज्यादा आता है कि कम है कि ज्यादा है, फिजिक्स में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं माय डियर स्टूडेंट, कि इसका तरंग दैर्ध्य कम है कि ज्यादा है, किस रंग का ज्यादा है, किस रंग का कम है, किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, किसका कम है। तो ये कुछ कॉमन ट्रिक है जो आप MCQ में लगाना, आप 20 में 15 नंबर कर लोगे, लेकिन कुछ आप लोग अपने से भी माइंड लगाना, आप लोग ट्राई करना कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सको। अब जो आपको नहीं आता उसमें आप ये तुक्का लगाना। और एक बात और बता दें कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो एक बात याद रखना कि छोड़ कर नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव को छोड़ कर नहीं आना है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा नंबर, ठीक है। आप करके आना, तुक्का लगाना, ठीक है, तुक्का लगा लेना। और तुक्का में भी आप एक बात याद रखना, ज़्यादा ऑप्शन जो है वो वी वाला लगाना और सी वाला, अगर आप तुक्का लगा रहे हो ना, तो ज़्यादा ऑप्शन आप लोग वी और सी वाला लगाना, लगभग सही होता है, अगर तुक्का लगा रहे हो तब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोड़कर मत आना, आपको क्वेश्चन करके ही आना है, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव के हमारे MCQ के कुछ ट्रिक हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ये 5 से 6 ट्रिक जो है आपके, 5 ट्रिक ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, आपको साइंस में कुछ नहीं आता तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब हम लोग ये बात करते हैं कि देखो, सबसे पहले आपको कॉपी दी जाएगी, अब कॉपी में आपको लिखना कैसे, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, यहाँ हमारा सबसे पहले कॉपी में आप एक तरफ अंडरलाइन करना, कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है कि एग्जामिनर एक बार देखे तो वो कहे किसकी कॉपी है, अट्रैक्टिव बना देना है। फिर वर्णात्मक प्रश्न डाल देना, ऑब्जेक्टिव का तो हमने आपको ट्रिक बता ही दिया है, उपखंड कार डाल देना, फिर प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। अब इसमें देखो, पेपर में ये पूछा था कि हमारा दोष क्या है, दोष, तो दोष के बाद देखो, दोष हमने लिखा है, दोष कहते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज तो आया होगा, दोष, आखिर नेत्र में दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है, तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं सोचोगे कि आपकी आंखों में कोई ना कोई खराबी होगी तभी दोष होगा। तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमें दिखाई देगा, मतलब ऐसा दोष के कारण हमें नहीं दिखाई देगा, मतलब ऐसे ही बात है ना, अगर नहीं दिखाई दे तो ही दोष होता है। तो ऐसे आप बना कर लिखना, छोड़ना नहीं, आप बना कर लिखना, आपको नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा। जैसे मैंने इसमें कोई डिफिनेशन नहीं लिखा है, बस अपने से बना दिया है। अगर आपको ये नहीं पता रेटिना वगैरह, आप ये लिख देना, जब आंखों से कुछ ना दिखाई दे या फिर बहुत कम दिखाई दे दोष होता है, तो भी आपको नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे इनके प्रकार भी लिखा है, निकट दृष्टि दो, दूर दृष्टि दो, जरा दृष्टि दो, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, नहीं आता फिर भी लिखोगे, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है दोस्त के बारे में। जैसे ये हमारा फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे आप बहुत सारे कहेंगे, सर बच्चे में रिएक्शन कैसे करेंगे, रिएक्शन में हमें प्रॉब्लम है। देखो, रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा सा आप प्रतीक याद रखो कि भाई जिंक का ZN होता है, H2SO4 होता है, ये थोड़ा सा याद रखो कि हाइड्रोजन का हमारा H2 होता है। तो आप क्या करो कि आप वो जो रिएक्शन है ना, उसको पहले क्या करना, जो हिंदी में लिखा उसको भी उतार लेना ऊपर, ऐसे जो हिंदी में लिखा है ना उसको भी उतार लेना, और फिर आप ट्राई करना, नहीं होता फिर भी आप वहाँ करना जिंक का जेड लिख देना, नहीं आता तो भी सॉलिड एस कुछ भी लिखना, जेड लिखना, फिर H2SO4 नहीं आता, सल्फ्यूरिक अम्ल का तो H2 कुछ भी लिख देना, बनाना जरूर, आपको वहाँ लिखना जरूर है। अगर आप कुछ लिखोगे नहीं तो आपको एग्जामिनर नंबर क्या देगा,
क्या देगा? कुछ नहीं। तो आप रिएक्शन जितना भी हो उसको आप बना बना कर लिख देना, लिख देना, आपका एक नंबर है, एग्जामिनर आपको आधा नंबर देगा, 100% है देगा, क्योंकि मैंने देखा है कैसे कॉपियां चेक होती हैं, कैसे क्या होता है, सब मुझे पता है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक हमारा फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक बात याद रखना कि इसमें आपको कॉपी भरना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कॉपी भरना है। जैसे चुंबकीय सुई के बारे में पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया, तो आपको आता है या ना तो फिर भी आप लिख देना चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र बंद होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से निकट, मतलब आपको नहीं आता ना, फिर भी आप लिखो भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो यहां मैंने सारी चीजें बनाकर लिखी हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण, जैसे ये बल रेखाएं वक्र, मतलब बंद वक्र होती हैं, जहां पर क्षेत्र ज्यादा हो गया एक दूसरे के निकट रहती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो मतलब आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा माइंड लगाना, कोई ना कोई क्षेत्र ही है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बनाकर लिख सकते हो, जहां ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां प्रबल होगा, जहां कम चुंबकीय क्षेत्र होता वहां दुर्बल होगा। ऐसे आप लिखना जरूर, मेरा कहने का मतलब है कि आप कॉपी छोड़ कर मत आना। ठीक है, ये देखो फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल, अब बात आती है भाई न्यूमेरिकल में क्या करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या करोगे? देखो न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला तो पता रहेगा ना, जैसे आप दर्पण का फार्मूला लगा रहे हो तो 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया। अब न्यूमेरिकल में आप क्या करोगे, ध्यान से समझो, मैं आपको बताता हूँ। आप वैल्यू तो जानते हो कैसे पुट अप, इस पर बहुत ज्यादा आता है ये, एक क्वेश्चन फिक्स है अभी जान लो। ठीक है, अब देखो एक चीज तो पता है ना कि वैल्यू आपको पुट अप करना है। मान लो आपने वैल्यू पुट अप किया, फोकस दूरी जानती हो, कुछ भी हो 5 हो, वी हमारे पता करना है, प्लस यू हमारा 2 है। आप कैलकुलेशन करना ना कर पाओ, फिर आप डायरेक्टली आंसर लिख देना। ठीक है, मान लो आप कुछ भी, मैं गलत आंसर आप लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन आता है तो करना, वरना आप डायरेक्टली आंसर लिख देना 10 सेंटीमीटर, ऐसे आप लिख देना और आंसर। और आप देखो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में ये जरूर लिख देना, चाहे आप गलत ही लिखो, सीधा आभासी, पक्का है नंबर देगा, पक्का है। ठीक है, तथा क्योंकि ये जो है एग्जामिनर बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, ये चीज लिख देना यार। ठीक है, नंबर भर के मिलेगा, क्योंकि ये चीज लास्ट में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल का जो ये फार्मूला ट्राई करना जरूर लिखना, फार्मूला के बाद आप वैल्यू पुट अप कर देना, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन जानते हो तो करना, या फिर मान लो आपको फार्मूला भी नहीं पता है तो क्या करोगे, तो भी आप फार्मूला यही वाला छाप देना, मतलब छापना है। ठीक है, कॉपी को भरना है, छापना है, बस ये समझो। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन हो गया। आप बायोलॉजी में क्या करोगे? बायोलॉजी देखो, जो हमारा न्यूमेरिकल होता है फिजिक्स में होता है, बायोलॉजी में मेन चीज क्या होता है, ध्यान से समझो। बायोलॉजी में मेन चीज होता है फिगर, और अगर आपको मान लो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, मान लो पाचन तंत्र आ गया, फिगर तो याद ही आ जाएगा क्या क्या होता है आपके शरीर में, तो पूरे पेज में फिगर बना देना, एक पेज में बना देना, ध्यान से समझो। ट्रिक बहुत अच्छा बता रहा हूँ, ये मैंने खुद अप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि मैं अपना मतलब फॉर्म भर के अब ट्राई करता हूँ, तो ये सारे ट्रिक काम करते हैं। ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि कितना नंबर बनता है इन सारी चीज़ों से, तो बहुत अच्छा नंबर बनता है, क्योंकि एग्जामिनर एक एक लाइन नहीं चेक करता, स्टेप मार्केटिंग होता है, स्टेप मार्केट होता है, स्टेप मार्क होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि डायरेक्टली आंसर, मान लो आपने न्यूमेरिकल में आंसर एकदम करेक्ट लिख दिया कि 10 सेंटीमीटर एकदम सही है ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पूरे में फिगर बनाना एक पेज में, और दूसरे पेज में आप ट्राई करना कुछ ना कुछ लिख देना, कुछ ना कुछ। अगर आपको फिगर नहीं पता है पाचन तंत्र का, तो जो भी फिगर पता हो, उत्सर्जन तंत्र पता हो, श्वसन तंत्र पता हो, कुछ तो माइंड में होगा, वही बना देना, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, और फिर आप कुछ लिख देना एक पेज में जो भी आता उसके बारे में, आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का यही मसला होता है, कुछ होता नहीं, आपको लिखना है भर भर के। फिजिक्स में तो लॉन्ग क्वेश्चन में जितना हो पाए उतना लिखो फटाफट, ऐसे इसमें भी होता है, फिगर एक बनाओ, फिर उसके बाद जो जो जानो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर भर भर के मिलेगा। ठीक है, और एमसीक्यू का तो मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया, और तैयारी आप करते रहो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप मान लो ये ट्रिक आप कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करो, हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हों। तो ये हमने आपको बता दिया कि आपको साइंस में कुछ ना आए तो आपको क्या करना है, ये टॉपर की कॉपी है और ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे आना, सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।